आज जो बिजनेस प्लान मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो अभी तक तो जो है प्री लॉन्चिंग पे है, मतलब 15 से 20 दिन हुआ है लगभग लगभग, और मार्च में जाके कंपनी लॉन्च करेगा। कंपनी का ओनर का दावा है कि जो भी आप इसमें फंड इन्वेस्टमेंट करते हो ये पूरा का पूरा सिक्योर है, और कंपनी का ओनर जो है आपको जितना पैसा भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो पूरा का पूरा जो है उसमें FD बना के आपको देगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो क्या है ये, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि ये बिजनेस प्लान के बारे में मैं आप लोगों के साथ पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं द्रविड़ राय पश्चिम बंगाल से आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रोजोन बोल के एक कंपनी है जो अभी हाल ही में ही जो है प्री लॉन्च पे है, अभी लॉन्च नहीं किया है, मार्च में जाके लॉन्च करेगा। तो क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताऊंगा कंपनी का एडमिन के बारे में डिटेल्स, उसके बारे में कंपनी का लीगलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लान की बात करेंगे, उसके बाद जाके पे आउट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। तो सबसे पहले जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या काम करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको देखना पड़ता है कि भाई इसका ओनर कौन है, इसका सिस्टम का एडमिन कौन है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो ये कंपनी का नाम है प्रोजोन, इसका जो है ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। अभी जो है कल ही जो है ऑफिस ओपनिंग हुआ है, और लगभग जो है 15 से 20 दिनों के अंदर 3.5 CR का ऑलरेडी इस कंपनी ने बिजनेस कर लिया है, ठीक है। तो इस कंपनी का जो है CEO है उसका नाम है बिपिन कट्स, आप देख सकते हो इमेज में भी आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ। ये बेसिकली दिल्ली का है, और MD जो है, ठीक है, MD है इंद्रदीप सिंह जी, ठीक है, वो तो बेसिकली पंजाब से है। और उसके बाद जो है सुआनो ओबरेव, ठीक है, ये उनका डेवलपर है, नाम थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, रोबोट डेवलपर है। और लीगल एडवाइज़र है जो है डी चंद्रा, सबका इमेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये अभी प्री लॉन्चिंग पे है और जो है अभी काम शुरू ही हुआ है। तो बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में बात करने से पहले उसका जो है CEO है, मतलब बिपिन कट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूँ। ये बिपिन कट्स और इंद्रजीत सिंह दोनों ही दुबई में जो है अभी सेटल है, लगभग 10-12 साल से वो लोग वहाँ पे भी जो है अपना काम कर रहे हैं। और उनका एम्बिशन, उनका टारगेट बोल सकते हो कि जो है इंडिया में एक ब्रोकर हाउस खोलना, इंडिया में ब्रोकर हाउस खोलना, ठीक है। तो ये उनका मिशन है, और लगभग मार्च या अप्रैल के अंदर अंदर उन्हें 100 ब्रांचेस ओपन करना है उनका, ठीक है, ये उनका जो है बेसिकली टारगेट है। ओके, तो ब्रोकर हाउस खोलने के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए लोग, ठीक है, उनको चाहिए फंडिंग। तो फंडिंग कौन करेगा, फंडिंग हम लोग करेंगे। और इसीलिए जो है उनको बड़े लेवल पे काम करने के लिए ये जो है बिजनेस उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का उन्होंने सहारा लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिपिन कट्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अगर आप अमेजोन पे जाइएगा तो अमेजोन पे आप अगर जाइएगा तो आपको जो है अमेजोन पे जाके सर्च बार में आप लिख लीजिए बिपिन कट्स बुक्स, तो आपको उनको एक बुक मिलेगा, जाके आप देख भी सकते हो वहाँ पे। उसका रेटिंग देखिए, सबसे पहले पब्लिश्ड जो हुआ था उसका डेट देखिए 2 अप्रैल 2013। देखिए दोस्तों अभी कंपनी लॉन्च भी नहीं हुआ है लेकिन कंपनी का ओनर जो है लगभग 2013 में उनका जो है अभी उनका बुक ऑलरेडी पब्लिश हुआ है अमेजोन के ऊपर। और सबसे लास्ट में जाके कस्टमर रिव्यू पे जाइए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा कॉमेंट। और बेसिकली ये इंद्रजीत जो सर है और बिपिन कट्स जो है 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के ऊपर, और वो लोग इंडिया में जितना भी, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इंडिया में मैक्सिमम जितना भी ब्रोकर हाउस है उनको सिखाना, उनको ट्रेडिंग करवाना, मतलब खुद भी एक ट्रेडर है और प्रोफेशनली वो जो है लोगों को भी सिखाते हैं, मतलब उनका ये काम है। तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद लीगल का मैं जो भी है वो साइड में आप लोगों को दिखाता रहूँगा, क्योंकि उनका टारगेट है कि अप्रैल में जो है उनका जो है ब्रोकर हाउस होना चाहिए, मतलब होगा। तो उसके लिए क्या IRDA का परमिशन चाहिए, तो उनका जो है सब कुछ अप्लाई उन्होंने किया है। अभी जो है लगभग 2-1 महीने के अंदर उनका सर्टिफिकेट मिलने का मतलब चांसेस है, ठीक है। तो अभी उनके पास जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह, इनकॉर्पोरेशन हो, पैन कार्ड हो, ये साइड में, या बैंक डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो। बिजनेस प्लान के बारे में अभी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से बता दूँ, तो ये जो है फंड जो हम लोग दे रहे हैं या तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करता है, ठीक है।
स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करता है, जैसे MCX, ASX, NSE, BSE, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो लोग ट्रेड करता है, और फॉरेक्स पे भी ट्रेड करता है दोस्तों, जैसे हो गया आपका डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, मतलब करेंसी जो ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, करेंसी ट्रेड भी वो लोग करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि भाई कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का जो है एडमिन क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी का जो है ऑनर है वो एक पुराना ट्रेडर है और उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दुबई सेटल है। तो अभी मैं बिज़नेस की बात करूंगा, बिज़नेस प्लान की बात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे कोई भी बंदा वर्किंग करके भी पैसा अर्न कर सकता है, और नॉन वर्किंग कर मतलब अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और जो है उससे ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको डेली मिलेगा। दोस्तों प्लान बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं इस प्लान को लगभग 15 दिन से स्टडी कर रहा था, फाइनली मैंने आज डिसाइड किया चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी प्री लॉन्चिंग पे है, रिस्क ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है, सभी जगह पे रिस्क होता है, ये चीज़ आप दिमाग में एक बार रखिएगा, जितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो रिस्क थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए मैं जो है आप लोगों को पहले पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब इसके प्लान के बारे में दोस्तों बात करते हैं, वो मिनिमम 10,000 से 3-4 पैकेज है, मैं आपको बता दूँ 10,000 टू 1.5 लाख एक रुपया कम, मतलब 10,000 टू 1.5 लाख रुपया में आपको डेली का 1.60% टू 2%, ठीक है, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका जो है 1.60% टू 2% जो है आपको डेली मिलेगा दोस्तों, और ये जो है हफ्ते में 5 दिन मिलेगा, सैटरडे संडे को आप छोड़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे जो ट्रेडिंग नहीं होता। और इसके ऊपर जो मैंने बताया था गारंटी दे रहा है कंपनी, तो इसके ऊपर क्या दे रहा है कंपनी, इसके ऊपर आपको 50 रुपीज़ के स्टैम्प के ऊपर कंपनी लिख के देता है कि जो भी आपको, जो आपके साथ कंपनी का जो है एग्रीमेंट हुआ वो आपको कंपनी देगा और बाई कुरियर आपको मिलेगा। उसके बाद 1.5 लाख से 5 लाख तक एक रुपया कम, वो सेम अमाउंट मतलब सेम प्रॉफिट 1.60% टू 2% आपको जो है डेली मिलेगा, सैटरडे संडे को छोड़ के दोस्तों। तो ये जो है ये भी आपको MOU देगा, मतलब रिटर्न देगा आपको, रिटर्न में देंगे, और उसके बाद चेक देंगे, मतलब जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, इसके ऊपर वो जो है आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे आपको एक गारंटी के हिसाब से, ओके। तो थर्ड नंबर जो है प्लान है 5 लाख टू 35 लाख, मतलब 5 लाख से 35 लाख एक रुपया कम, सेम जो है आपको प्रॉफिट बनेगा 1.60% टू 2% आपको डेली रिटर्न मिलेगा दोस्तों। इसमें भी आपका 50 रुपीज़ के ऊपर स्टैम्प होगा और जो है आपको एक FD देगा, ठीक है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको एक FD देगा, और वो FD आपका नियरेस्ट ब्रांच का होगा, और 11 महीने का ये जो मैं पैकेज बोल रहा हूँ तो ये 11 महीने का पैकेज है दोस्तों, ठीक है, 11 महीने के बाद चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं फिर पैसा डाल के, नहीं तो जितना भी आपने लगाया और 11 महीने होगा टोटल जो है आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैकेज की बात करते हो 35 लाख टू जितना भी मर्जी, ओके, वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा 1.60% टू 2%, यहाँ पे भी आपको जो है एग्रीमेंट होगा 50 रुपीज़ स्टैम्प के ऊपर, और जो है आपको FD देगा, FD जो है उसका भी मैं स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे दोस्तों डाल रहा हूँ, ओके। और बेसिकली यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ऑलरेडी बड़े बड़े दो मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, जैसे पहला जो है मुंबई में हुआ था 2 फेब को, जस्ट कुछ दिन पहले, और जो है न्यू दिल्ली में भी हुआ था कल, जिसका मतलब ऑफिस जो है कुछ ओपनिंग हुआ था उसमें, जिसका इमेज भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों बेसिकली ये प्लान है, आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें जो है आपको ये रिटर्न आपको आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अभी जो लोग इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, या जिसके पास टीम है, या जो रेफरल करेंगे उसके लिए जो है ये लेवल प्लान है दोस्तों, 18 लेवल का ये प्लान है, 18 लेवल का आपको प्लान है। अगर 18 लेवल तक आपको कमीशन चाहिए तो आपको 18 मेंबर डायरेक्ट देना है, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो किसी को रेफर करते हो, ठीक है, सिंगल रेफर करते हो, सिंगल डायरेक्ट रेफर करते हो, तो आपको 3 लेवल का कमीशन तो मिलेगा ही, जितना ज़्यादा आपका डायरेक्ट होता रहेगा उसका आपको लेवल बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको डेली का कमीशन बनता है, ओके, डेली का आपको ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट लेवल में मतलब आपने ज्वाइनिंग किया किसी भी अमाउंट से और किसी को अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन किया, वो बंदे भी जो है कुछ इन्वेस्टमेंट किया,
ओके, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको जितना रिटर्न आएगा उसके इन्वेस्टमेंट को ऊपर मिनिमम पकड़ के चलते कि 1.6, उसके नीचे तो आपको रिटर्न नहीं आएगा, 2% के ऊपर भी आपको पेमेंट नहीं आएगा। तो आपने जिस बंदे को ज्वाइनिंग करवाया है वो जो भी अमाउंट उसमें डाले है उसका पहले डायरेक्ट इनकम बनता है, तो डायरेक्ट की सॉरी पहले डायरेक्ट की बात कर लेता हूं, तो डायरेक्ट आपको जो है 9% डायरेक्ट रेफरल कमीशन बनेगा, वो वन टाइम है। ओके, आपका बंदा जो है जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 9% आपको डायरेक्ट इनकम मिल जाएगा। उसके बाद लेवल जो 18 लेवल के मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपका डायरेक्ट बंदे ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उस जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको जितना भी रिटर्न आ रहा है डेली का, उसके ऊपर 25% मतलब आपको डेली आएगा दोस्तों, डेली ROI यहाँ पे आएगा। मतलब आपने किसी को रेफर किया, वो बंदा एक मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आप उनको जितना मिल रहा है उस इनकम के 25% फर्स्ट लेवल को मिलेगा, सेकेंड लेवल को 15% मिलेगा, थर्ड लेवल को 10% मिलेगा, और फोर्थ लेवल से 9 लेवल तक 5% मिलेगा, 10 लेवल से 13 लेवल तक आपको 2.25% मिलेगा, और 14 लेवल से 18 लेवल तक आपको 2% मिलेगा। तो बेसिकली ये जो है टोटल 100% जो है कमीशन जो है बांट दिया है वर्कर के बीच में या नेटवर्क में। तो और कुछ बोनस पॉइंट भी है जो मैं आज तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोनस के बारे में जो है बताऊंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था, और दो चीज़ क्लियर करके मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी अर्निंग है मिनिमम विड्रॉल आप 5% TDS वगैरह कटेगा, जो भी आपका विड्रॉल लेंगे ठीक है ना, अर्निंग होगा उसमें 5% आपका TDS कटेगा। मिनिमम विड्रॉल जो है आपका जो है मिनिमम विड्रॉल 500 rupees दोस्तों मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे हैं, और सट विड्रॉल टाइम भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सैटरडे संडे को आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, सैटरडे संडे को आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मंडे टू ट्यूजडे आपके वॉलेट में जो है आपने जितना रिक्वेस्ट किया है उसका 5% डिडक्ट होके आपके अकाउंट में चला आएगा दोस्तों। तो बेसिकली बस इतना ही था, छोटा सा प्लान था, मैंने आपको साइड में भी इमेज दिखा दिया है, सब कुछ प्रूफ भी दिखा दिया है। नया नया कंपनी में इतना ही बोलूँगा, लास्ट में दो एक शब्द बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, और उसका इस वीडियो का रिगार्डिंग मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि ये प्लान मैंने ज्वाइन किया है आज ही। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो कितना रिस्क है, रिक्स तो है, ऑनलाइन है, पहले मैंने आपको बताया ऑनलाइन है, रिक्स है, कोई भी चीज़ का गारंटी नहीं होता है। फिर भी जहाँ पे कोई भी कंपनी हम लोग को ना एग्रीमेंट देता है, ना हम लोग को चेक PDDC चेक देता है, ना हम लोग के नाम पे 5 लाख के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका जो है खुद के नाम के ऊपर FD देता है कोई भी नेशनल बैंक का, तो ये सब कंपनी कोई भी कंपनी नहीं देता है। लेकिन अगर वो लोग देने का क्षमता रख रहे हैं तो मतलब मान के चल सकते हैं थोड़ा लंबा प्लान तो ये जाने ही वाला है, ठीक है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान जहाँ पे नए नए जाके, क्योंकि देखिए ये सब मार्केट में क्या होता है ना कि फर्स्ट आपको एंट्री लेना पड़ता है, अगर जो लोग भी फर्स्ट एंट्री लेते हैं वो लोग अच्छा कमा लेते हैं, ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 6 महीने बाद 1 साल बाद जाके आप ज्वाइन करेंगे वो आप उस टाइम पे जाके थोड़ा सा रिस्क तो हो ही जाता है, क्लियरली बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म को देखिए, अच्छा लगे स्टडी कीजिए, 1-2 दिन चाहे तो उसमें जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आई थिंक लंबा चलने वाला है ये कंपनी। और मेरे वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, लिंक में जाके भी आप मेरा नंबर है उसमें कॉल कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कर सकते हो। और बस इतना ही था वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी सुझाव है कॉमेंट में कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।